वो उनको खत्म गोली मारकर खत्म कर दिया गया है, आग जला दी उनको। आपके आपके कितने बच्चे हैं भाई? हमारे दो बच्चे हैं भैया। आपको 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 दिखता नहीं दोनों आपको? ना दिखता। ये हादसा कैसे हुआ था? मेरा पर तेजाब गिर गया था, मैं कैन उतार कर रख रहा था तो कैन की डांट घुल गई, उसकी छींट मेरे ऊपर आ गई। तो पिछले 5 सालों से जो आपके ससुर साहब थे, घर से चला देने हमारा, वही दिखाते थे मुझे ऑल इंडिया से इलाज चलना, अब कौन पैसे देगा मुझे। परेशानी कौन देता ये बताओ, परेशानी देने वाला कौन है? है ना कोई सुपर पावर तो है? ऊपर वाला है ना परेशानी देने के लिए, तो जिसने परेशानी दी है वही ठीक करेगा भाई। सर जी हम तो 5 साल से बहुत परेशान हैं, वही हमारा गुजर बसर करते थे। बुढ़िया ये कुछ पैसे रख लो आप, काम आएंगे आपका। देखो तुम्हारा भाई चला गया, तुम हमारे साथ चले गए, मैं भाई समझ के रख लो, ये कुछ पैसे रख लीजिए, भाई हूँ तुम्हारा, प्लीज़ रख लो बेटा, ठीक है ना, काम आएंगे तुम्हारा, ये मैं भाई समझ के ले रहा हूँ आपको, ठीक है ना। किसी भी धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, लेकिन ज़रूरतमंद हो तुम अभी, ठीक है ना, आप लोग ज़रूरतमंद हो और ज़रूरतमंद की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, तो आप रखो आपके काम आएंगे, ठीक है ना। और मैं आपका एड्रेस लेके जाऊंगा, आपका पता लेके जाऊंगा, ठीक है ना, घबराने का नहीं है, ठीक है। हर महीने मैं आपको कुछ ना कुछ मदद भेजूंगा भाई, ठीक है ना, जैसे मैंने आप भी दिया ना आपको, हर महीने मैं आपको भेजूंगा, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, घबराने की। सर जी आपकी इतनी मेहरबानी कर, नहीं मेहरबानी अभी चल रहा है, ठीक है ना, घबराओ भाई, हिम्मत से काम लो। आपने कुछ खाना वाना खाया नहीं खाया? हम ना खाने की इच्छा ना हमारी, तुम हमें उनसे मिलवा दो, ये बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। अभी 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 बारी बारी से भाई सबका पोस्ट पार्टम हो रहा है, बहुत जल्दी करवा दो हमारा काम, जल्दी होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ से पिलखवा लेके जाएंगे, वही दफना होगा। कोई नहीं है, ना ही कोई भैया है, ना माँ है, बस पापा ही थे, तो इसलिए हम उन्हें घर ही लेके जाएंगे अपने। कोई नहीं है हमारे भाई, भाई भाई नहीं आपके? कोई नहीं तो ना कोई भाई है, ना आप बहन है? नहीं, दो बहन थी, एक बहन खत्म हो गई थी अभी फिलहाल, ये हाँ। तो कोई नहीं कमाने वाला, कोई नहीं, नहीं। कोई नहीं। इनका खर्चा चला देते हैं हम, कौन खर्चा चला? खर्चा चलेगा तुम्हें, बेफिक्र हो, खर्चा चलेगा भाई, ठीक है ना, हिम्मत मत हारो, जैसे पहले चलता आया था ऐसे चलेगा, ठीक है ना। आप कुछ काम करती हैं? आप कुछ चला देते हैं, पापा करते थे मेरे, जो भी कुछ करते थे, मैं तो बच्चों के साथ घर ही रहती थी। मैं आपको कुछ काम करा दूँ आपके घर पे, आपका ऐसा कुछ काम हो जाए जिससे आप घर कुछ कमाने लगे, कुछ 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 सीख, कुछ सीखते हैं, कुछ आता है आपको? कुछ नहीं आता, कोई ऐसी चीज है कोई दुकान वगैरह, आप दुकान खोल के आप दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ जाए? नहीं है हमारा, हमारा घर भी तो नहीं है। आप दोनों मिलके अगर हम कुछ ऐसा काम करा दें कि आपको एक छोटी सी दुकान 10-20 हजार रुपए का सामान भर के, और सामान आप तो दुकान कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो, कर लेंगे, कर लेंगे सब कुछ। चलिए अब क्या करेंगे हम, ठीक आप आएंगे इंशाल्लाह। अब देख लीजिए ये इस परिवार की क्या गलती है, एक बहन है और इनके वालिद साहब थे वही इनका खर्चा उठाते थे, ना कोई भाई है, शोहर है, शोहर की हालत आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है, दोनों आंखों से दिखता नहीं, और हालत बहुत ज़्यादा बेकाबू है, बहुत ज़्यादा ख़राब है इनकी हालत। इस दंगे ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, सोचे कि इस दंगे ने किसका नुकसान हुआ है, इस दंगों में सिर्फ हमारा नुकसान हुआ है, चाहे मैं मुशाहिद हूँ, चाहे मैं रवि हूँ, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा हुआ है, जिन लोगों ने दंगा कराया, जो राजनीतिक पार्टी थी या तमाम जो भी लोग थे, उनका कुछ नहीं गया, कुछ ना होगा, उनका नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है, इनके
इनके ससुर चले गए, इनके सर से वो साया चला गया जो हर महीने हमारी बहन इंतजार करती थी कि वालिद साहब कुछ भेजेंगे तो घर में राशन हम भरेंगे, बच्चों के लिए हम कुछ लाएंगे, लेकिन अब वो जो साया था वो इनके सर से चला गया। अभी हमने कुछ मदद की है और इंशाल्लाह हम मदद करेंगे आपकी, ठीक है ना? आप बेफिक्र रहे मैम, ठीक है ना? रोना नहीं आपको, बेफिक्र रहे, मदद होगी आपकी इंशाल्लाह।